हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अमेज़न कुर्ता सेट हॉल। और ये जो हॉल है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं कुर्ता सेट भी दिखाऊंगी, उसके साथ कुछ एक दो कुर्ती है जो सिर्फ कुर्ती है, सेट नहीं है। बट ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सारे ही जो मैं सेट दिखाऊंगी और फिर जो कुर्ताज है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखे एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने सारे परचेजिंग लिंक्स प्रोवाइड किया है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूले। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद दिस ब्यूटिफुल समर कलेक्शन। ये एक समरी कलर है और ये एकदम कॉटन कुर्ता सेट है। एक्चुअली इसका जो कुर्ता है वो लॉन्ग है, तो अगर आप 5'4" हाइट के हैं तो आपका पूरा लेंथ तक आएगा ये कुर्ता। तो ये एक गाउन टाइप्स है, उसके साथ ये प्लाजो का एक सेट दिया गया है। तो इसका जो मटेरियल है वो एकदम प्योर कॉटन में है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसे एक बार मैंने वॉश ऑलरेडी कर लिया है तो आप लोग देख सकते हैं कि वॉश करने के बाद भी इसका कलर उतना ज़्यादा फेड नहीं हुआ है, ज़्यादा कलर ये नहीं छोड़ता। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट कलर का प्रिंट है, ये पूरा प्रिंट है और इसमें एक फ्लेयर है नीचे की तरफ। तो आप चाहते हैं तो इसे एज अ गाउन भी पहन सकते हैं, इट विल लुक ऑसम। और इसके स्लीव्स 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पर भी इस तरह के डिजाइंस आप लोग देख सकते हैं। और इसमें इलास्टिक वेस्ट है प्लाजो का और प्लाजो का घेर भी आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा घेरा है प्लाजो का और बहुत ही कम्फर्टेबल है ये प्लाजो। बट हाँ, इसका जो प्लाजो है इसका लेंथ एंकल लेंथ नहीं है, ये थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ का है। बट मेरे ख्याल से अगर आप इस कुर्ता सेट को ट्राई करना चाहते हैं तो शायद अगर आप बहुत ही ज्यादा हाइट के हैं तो आपके ऊपर बहुत खूबसूरत दिखेगा, अदरवाइज आप इसे एज अ लॉन्ग गाउन वेयर कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट है वो एक कुर्ती है और ये कुर्ती जनाइसा ब्रांड का है एंड आई थिंक ये इस कुर्ती को अमेज़न पर आप सभी ने देखा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत एक बेज कलर का कुर्ती है। इसका जो अपर पोर्शन है ना वो काफी लाइट है, बट इसमें यहाँ पर टैसल्स दिए गए हैं और यहाँ पर मोती का वर्क भी है और स्लीव्स है 3/4 स्लीव्स, स्लीव्स पर इस तरीके का एक बॉर्डर दिया गया है एंड इसके नीचे के पोर्शन पर हेवी वर्क है, लेकिन ये सारे प्रिंटेड वर्क है, ये कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये प्रिंट है। तो जो लोग दुपट्टा ओढ़ते हैं तो उनके लिए ये वाला कुर्ती बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि जब किसी भी कुर्ती में ना ऊपर पोर्शन में हेवी वर्क होता है तो आप जब दुपट्टा लेते हैं तो नीचे का पोर्शन बिल्कुल डल लगता है, खाली लगता है। बट इस जो कुर्ती है इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें ऊपर पोर्शन हल्का वर्क है और नीचे के पोर्शन में एकदम हेवी वर्क है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बट ये समर अप्रोप्रिएट उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सा सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल है जो समर्स के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू कॉटन। बट ये बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ता, इसका कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होगा, सो ये एक सिल्क काइंड ऑफ मटेरियल है। नेक्स्ट अगेन एक कुर्ती मैं शेयर करना चाहती हूँ और ये जो कुर्ती है ये ब्यूटिफुल येल्लो कलर में है और इसमें डिजिटल प्रिंट किया गया है। ये क्रीप मटीरियल है जो की बहुत ही सॉफ्ट एंड समर अप्रोप्रिएट मटेरियल है, लेकिन इसमें ना वो एयर उतना ज्यादा पास नहीं होता है, बट ये काफी सॉफ्ट मटेरियल होता है एंड बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बाई कलर पैटर्न में है, पीछे का जो पोर्शन है बैक पोर्शन उसका कलर थोड़ा अलग है और फ्रंट पोर्शन का कलर अलग है। फ्रंट पोर्शन में ही सिर्फ डिजिटल प्रिंट है, पीछे का जो पोर्शन है वो बिल्कुल खाली है, प्लेन है। और इसका भी स्लीव्स 3/4 स्लीव्स है। जनरली मैं 3/4 स्लीव्स की कुर्ती एंड कुर्ता सेट्स पसंद करती हूँ एंड इसका लेंथ थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट कुर्ती नहीं है ये, थोड़ा सा लॉन्ग कुर्ती है, लेकिन इसका जो स्लिट है वो काफी डीप कट का है, तो आपके यहाँ से वेस्ट तक इसका जो स्लिट है वो जाएगा, तो काफी स्मार्ट दिखता है एंकल लेंथ पैंट के साथ, प्लाजो पैंट के साथ ये काफी खूबसूरत दिखेगा। नेक्स्ट जो है वो एक कुर्ता सेट है, ये एक्चुअली एक सूट सेट है क्योंकि इसके साथ आपको दुपट्टा भी मिलेगा, प्लाजो भी मिलेगा और कुर्ता भी मिलेगा। सो ये जो सेट है ये ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन कलर में है एंड 3-पीस सेट है, तो काफी अफोर्डेबल लगा मुझे इसका रेट क्योंकि 3-पीस सेट और वो भी इतने गॉर्जियस एक सेट और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अफोर्डेबल है। पहले लेट मी टॉक अबाउट द दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा बहुत खूबसूरत है और गॉर्जियस दुपट्टा है, हेवी वर्क है इसमें और इसके चारों ओर जरी का काम है, एक बॉर्डर दिया गया है
और दोनों ही और ना इस कॉर्नर में इस तरीके का पॉम पॉम टाइप्स दिया गया है, लटकन टाइप्स, तो काफी खूबसूरत लगा मुझे इसका दुपट्टा। और ऑल ओवर दुपट्टा में इस तरीके का जरी का वर्क है, तो बहुत ही ज्यादा ये एक गॉर्जियस दुपट्टा है। आप अपने प्लेन व्हाइट सूट के साथ भी इसे अगर ले सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा एंड गॉर्जियस दिखेगा। और मटेरियल भी इसका, ये नेट का है लेकिन सॉफ्ट नेट है, ये बिल्कुल भी हार्श या उतना ज्यादा मोटा नेट नहीं है, काफी सॉफ्ट है। ये एक कॉटन कुर्ता सेट है और इसका जो कुर्ती है और जो प्लाजो है वो कॉटन का है, लेकिन इसका जो दुपट्टा है वो नेट का था। तो ये है उसकी कुर्ती जिसमें ऑल ओवर मिरर वर्क की गई है और बैक जो पोर्शन है वो बिल्कुल प्लेन है। इसका और भी कलर था ऑप्शन, जैसे कि इसमें रेड कलर था जो कि अगर आप न्यूली वेड है तो आपके लिए रेड कलर वाला परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये इतना गॉर्जियस है, अफोर्डेबल है, पहनकर काफी कंफर्टेबल आप फील करोगे। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पीस। नेक्स्ट इसके जो प्लाजो है ना वो भी बहुत खूबसूरत है, इलास्टिकेटेड वेस्ट है इसमें और प्लाजो का घेरा भी आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा घेरा है इसमें और नीचे पोर्शन में मिरर वर्क दी गई है। वो ऑल ओवर प्लाजो में मिरर वर्क नहीं है लेकिन नीचे के पोर्शन में है। जितने भी कुर्ता मैं शेयर करूंगी उनमें से सबसे ज्यादा तो मुझे यही वाला लगा, क्योंकि ये सटल है येट गॉर्जियस भी है, कम्फर्ट भी फील करोगे आप इसे पहनकर, सो और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अफोर्डेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज जो मैंने पहना है ये भी मैं इस हॉल में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल स्कर्ट कम प्लाजो है। ये दिखने में तो इसे लगता है कि ये स्कर्ट है बट एक्चुअली ये एक प्लाजो है। बहुत ही खूबसूरत इसका घेर है एंड इसका जो फ्लेयर है ना वो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर ऑल ओवर गोल्डन कलर की डिटेलिंग की गई है। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन का है तो समर्स के लिए ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। लेंथ भी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मेरे एंकल लेंथ तक ये आता है, तो अगर आप छोटा थोड़ा सा हील भी पहनते हैं ना तो इट विल लुक ऑसम। तो ये जो प्लाजो था ना ये सिर्फ इसका कोई सेट नहीं था, ये सिर्फ प्लाजो ही था जो मैंने परचेज किया है, बट इसके साथ पेयर करने के लिए मैंने एक्चुअली ये वाला परचेज किया था। ये एक क्रॉप टॉप है और रिप्ड क्रॉप टॉप है, तो मुझे लगा कि ये इसके साथ काफी कॉम्प्लीमेंट करेगा और आजकल इस तरीके का पीस बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। बट इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक चूज किया, क्योंकि जनरली इस तरीके के लॉन्ग स्कर्ट प्लाजोस के साथ हम ब्लैक कलर पहनते हैं और फिर सिल्वर ज्वेलरी तो बहुत खूबसूरत दिखता है। लेकिन इसका जो कलर है ना वो फेडेड ब्लैक है, लेकिन हाँ इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, बट ये थोड़ा सा मुझे टाइट भी फील हो रहा है। मैं उतना ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनती हूँ, मैं थोड़ा सा लूज कपड़े पहनती हूँ एंड समर्स में लूज कपड़े पहनना भी चाहिए, तो इसीलिए इसके साथ मैंने इसे पेयर नहीं किया। मैंने ये मेरा पुराना वाला टॉप है उसके साथ मैंने पेयर कर लिया आज की वीडियो के लिए। बट इसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगी कि आप कोई दूसरा कलर ट्राई करें इसका, क्योंकि ब्लैक का जो कलर है वो जेट ब्लैक नहीं है, सो इट वोंट लुक गुड एट ऑल। So yeah guys, that's it for today's video. I hope ये video आप सबको अच्छा लगा। इसी तरीके का haul videos, कुर्ता haul video, फिर plazo sets and जो भी आप देखना चाहते हैं नीचे comment करके जरूर बताएं। Video को like करें, share करें and don't forget to subscribe to my channel. आज के लिए इतना ही, stay blessed, stay happy and bye.